इतना कोई बीच में नहीं खड़ा होगा, बता नहीं क्या टहल रहे हो, क्या खड़ा बीच में हटता नहीं। ये कुशारी प्रधान आशीष जी की कुश्ती है, उनकी ओर से महिला की, जिसमें नीरज सिंह जी कुसुमी भी गए थे, बजरंग दल के हमारे पदाधिकारी भी गए थे। महिलाएं भी दिखा रही पुरुषों से पीछे नहीं है, कितनी बढ़िया कुश्ती हो रही हमारी बहनों की, देख लीजिए महिला पहलवानों की, किसी का नुकसान हो कुशारी प्रधान के द्वारा हाथ पैर न टूटे पहलवान, ध्यान रखिएगा। अरे उनको लड़ने दो, हाथ पैर नहीं टूटेंगे, भागो। अरे वो चिल्ला हुआ करिए, उनको लड़ने दो, उसके हाथ में चोट लग रही है। सोहरा माऊ थाना प्रभारी एसएचओ महोदय अवधेश जी का आगमन हो चुका है, इस दंगल में उनके पधारने के लिए सेंगर परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, शेष इससे पहले आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, विधायक जी का भी, प्रमुख प्रतिनिधि का भी, बालन भैया का भी और राजा बाबू का भी। राजा दैनिक जागरण पत्रकार देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, विलंब आए, उनका भी पत्रकार बंधुओं की ओर से, परिवार की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, धन्यवाद। मोहान विधानसभा के विधायक ब्रजेश रावत जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। अभेद प्रताप जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी हृदय की गहराइयों से, आयोजक कमेटी की ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से और सेंगर परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन है। रवि प्रताप सिंह जी अपने क्षेत्र के उदीयमान युवा नेता हैं और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, उनका भी हृदय की गहराइयों से सेंगर परिवार की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। राघवेंद्र सिंह जी का भी आगमन हुआ है, अभय जी का भी, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पूरे जितने भी सम्मानित साथी कानपुर लखनऊ अपने द्वारा चलकर वाहनों से सेंगर परिवार के बुलावे पे आए हैं, इसलिए उनका पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से ऐतिहासिक 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष लगने वाले इस दंगल में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सोनू सिंह प्रतिनिधि सहरावा प्रधान, स्वागत है, अभिनंदन है। हम चाहेंगे इस कार्यक्रम में अपने विधायक जी मोहन और प्रमुख जी आए हुए, उनका स्वागत नहीं हुआ है, हमारा मन कह रहा है कि सेगर परिवार की ओर से, सबकी ओर से, और ये रेफरी का इशारा मिलते ही बताया जाएगा, हो गई कुश्ती, हो गई बताया गया, हो गई, इनका स्वागत कर दीजिए। अपने बीच में काफी